हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वी आर फाइन। आर यू फाइन और एब्सोल्युटली फाइन? एब्सोल्युटली फाइन। ओके, दैट्स गुड। दिस इज गोइंग टू बी अ क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग राउंड ऑफ बेसिक ग्रामर। इज दैट क्लियर? यस सर। इन दिस आई एम गोइंग टू आस्क यू सर्टेन क्वेश्चंस, बेसिक सेंटेंसेस, बिकॉज यू ऑल हैव कंप्लीटेड योर ग्रामर, राइट? यस सर। सो योर ग्रामर इज क्लियर? तो ग्रामर में जो भी कुछ तुमने सीखा वो क्लियर है ना? ठीक है, तो मैं उसी में से सेंटेंसेस पूछने जा रहा हूँ। ग्रामर के कंप्लीट करने के बाद उसका क्विक निकलना है ना, स्पॉन्टेनियसली निकलना बहुत जरूरी है। ओनली देन यू कैन बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, और ग्रामर हैज टू बी एक्यूरेट, नहीं तो आपको टूटी फूटी इंग्लिश आएगी फिर बाद में, है ना, या फिर हम कह सकते हैं ऑकवर्ड इंग्लिश। So do you want to learn awkward English? No sir. Do you want to speak tutti-frutti English? No sir. Do you want to speak correct English? Yes sir. Perfect English? Yes sir. Okay, then you have to focus on your grammar. Fine, as grammar is the integral part of the language. Okay. So are you ready to focus on it? Yes sir. Are you alert? Yes sir. Shall I begin? Yes. Okay. So you will answer the person who I look at. Okay. चलो बी रेडी। चलो तुमसे शुरू करते हैं, क्या तुम तैयार हो? आर यू रेडी? क्या मैं तैयार हूँ? एम आई रेडी? क्या तुम बहादुर हो? आर यू ब्रेव? क्या तुम जाते हो? क्या तुम जाते हो? डू यू गो? हाँ, मैं तुम्हें ग्रामेटिकली कंफ्यूज करने की कोशिश करूंगा, बट यू डोंट हैव टू बी कंफ्यूज्ड। तुम कहाँ जाते हो? वेयर डू यू गो? तुम क्या खाते हो? व्हाट डू यू ईट? तुम कहाँ रहते हो? वेयर डू यू लिव? तुम किसके साथ खेलते हो? विद हूम यू प्ले? विद हूम यू प्ले? वेयर इज द हेल्पिंग वर्ब विच इज द मेन थिंग? तुम किसके साथ खेलते हो? विद हूम डू यू प्ले? हाँ, तो व्हाई डिड यू मिस डू? ओके, मैं गाना गाना चाहती हूँ। आई वांट टू सिंग अ सॉन्ग। ओके, तुम क्या करना चाहते हो? व्हाट डू यू वांट टू डू? तुम क्या बनना चाहते हो? व्हाट डू यू वांट टू बिकम? तेज बोलो थोड़ा और। What do you want to become? Let her speak only, okay? वह टहलता नहीं है। He does not walk. Okay. वह कहाँ टहलने जाता है? Where does he go to walk? Good. मैं चाहता हूँ तुम अमीर बनो। I want that you to be rich. Good. अच्छी प्रैक्टिस की है तुमने। मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं एक क्रिकेटर बनूं। My father wants that I want to be a cricketer. No, यहाँ पे out of track जा रही हो तुम। Sir, my father wants me that, to become a cricketer. हाँ, अब सही direction में है। वह सफल हुआ। He win. वह सफल हुआ। He succeed. Yes. क्या ये sentence correct है स्पर्श? Probably correct. He got succeed. He no, it is also incorrect. He succeeded. Yes, okay. अगला बनाओ। तुम पैसे उधार क्यों मांगते हो? Why do you bring? उधार मांगना की इंग्लिश? Borrow. तो why are you not using borrow? Why do you borrow money? तुम उधार पैसे क्यों देते हो? Why do you lend money? Yes, sir. Why do you lend money? तुम गिटार क्यों बजाते हो? Why do you play guitar? The guitar. रोहित कार नहीं चलाता। Rohit doesn't drive a car. Okay. क्या रोहित कार चलाता है? Does Rahul drive a car? रोहित। Does Rohit? Sorry. क्या तुम जाते हो? Do you go? तुम कहाँ जाते हो? Where do you go? तुम कहाँ गए? Where you went? कर दी गड़बड़। हड़बड़ी में गड़बड़ी। हरी स्पॉइल्स करी। Where did you go? तुम वहां कैसे गए? हाँ, आप बताओ। How did you went? अच्छा, डिड के बाद में फॉर्म लगाते हो आप। How did you go there? हाँ, तुमने वहां क्या खाया? What did you eat there? तुमने वहां क्या पिया? What did you drink there? तुम वहां क्या पियोगे? What you will drink there? गड़बड़ कर दी। What will you drink there? हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, द
तभी तो क्वेश्चन बनता है वो, नहीं तो कंजंक्शन में चला जाएगा वो, समझे? नाउ विल यू बी अलर्ट? तुम क्या खाते हो? What do you eat? तुमने क्या खाया? What did you eat? वहां कौन था? Who was there? वहां कौन होगा? Who can be there? वहां कौन होगा? वहां कौन होगा? Yes, होगा. Who will be there? हाँ, you are taking too much of time. अच्छा, वह इंग्लिश नहीं बोलता? He doesn't speak English. क्या वह इंग्लिश बोलता है? Does he speak English? वह इंग्लिश क्यों बोलता है? Why does he speak English? तुम इंग्लिश क्यों बोलते हो? Why do you speak English? तुमने इंग्लिश क्यों बोली? Why did you spoke English? फिर तुमने did के बाद फॉर्म लगा दी? Why do you spoke English? अच्छा, क्या did के बाद फॉर्म आती है? No sir. Does did follow any form? No sir. Did always follows first form of the verb, right? Is that clear to everybody? Yes sir. So would you use any form after did? No sir. Never, right? Okay, did के बाद में form नहीं लगानी, because did अपने आप में एक form. क्या है? Past form. Second form, past form, right? अच्छा, मैंने English बोली. I spoke English. क्या मैंने English बोली? Did I speak English? अच्छा, अब concentrate कर रहे हो तुम. Did के बाद form ना निकले. मैंने लिखा. I wrote. मैंने एक लेटर लिखा. लिखा. I wrote one letter. Okay, क्या मैंने एक लेटर लिखा? Did I write one letter? अब तुम नहीं गड़बड़ करोगे, है ना? कॉन्सेंट्रेट करके बैठे हो आप. अच्छा, मैं खेला. I played. क्या मैं खेला? Did I play? मैं खेलूंगा. I will play. क्या मैं खेलूंगा? Do I? क्या मैं खेलूंगा? Will I play? हाँ, तो why did you use do? गड़बड़ हो गई ना, ये नहीं होनी चाहिए, right? Focus more. आप उदास थे. You were sad. आप उदास क्यों थे? Why were you sad? आप चोर थे. You were thief. तुमने चोरी क्यों की? Why did you stolen? Why did you stole? Why did you steal? Why did you steal? हाँ, you have come after a long time. Gap हो गया ना? तुम वफादार नहीं थे. You were not loyal. हाँ, faithful. क्या तुम्हारे पिताजी मेहनती थे? Were your father? Incorrect. क्या तुम्हारे पिताजी मेहनती थे? Did your father? Was your father hardworking? हाँ, father singular ही है ना? Yes, हिंदी में थे होगा, plural थोड़ी हो जाएगा. वे हंसते नहीं हैं. वे हंसते नहीं हैं. They do not laugh. Okay. तुमने बीच में गैप कर दिया तो आपका फंबल शुरू हो गया. सीता बैडमिंटन क्यों नहीं खेलती? Why does Sita? रुक जाओ, इतना टाइम नहीं मिलेगा. सीता बैडमिंटन क्यों नहीं खेलती? Why doesn't Sita play badminton? तुम रोते क्यों हो? Why are you crying? Why do you cry? वह हंसता क्यों नहीं है? Why doesn't he smile? Okay. क्या आज छुट्टी थी? Is there a holiday? Was there? रुक जाओ, अब नहीं. क्या आज छुट्टी थी? Was there a holiday? Today. Yes sir. Was there a holiday today? तुम कैसे बनाओगे इसे? Was today holiday? Was it holiday today? Okay. वह कल परेशान रहेगा. He'll be stressed tomorrow. Okay. क्या तुम लोगों की मदद नहीं कर रहे हो? Are you not helping others? क्या तुम पानी नहीं पी रहे हो? Are you not drinking water? क्या तुम पानी नहीं पी रहे थे? Were you not drinking water? क्या तुम पानी नहीं पी रहे होंगे? Were you not be drinking water? बना दिया इन्होंने, देखो. गुड. What's your name? मानवी सर. गुड, मानवी. उसे जाने दो. Let him go. उसे खाने दो. Let him eat. मुझे जाना है. I want to go. मुझे जाना है. I have to go. Yes sir. मुझे पढ़ाई पर ध्यान देने दो. Let me concentrate on my study. अच्छा, मैं कल क्रिकेट खेल सकी? I could play cricket. Yesterday. Okay.
सचिन की वजह से इंडिया मैच जीत सका। इंडिया वॉन द मैच इन सचिन हाँ इंडिया मैच जीत सका सचिन की वजह से। इंडिया वॉन द मैच बिकॉज ऑफ नो ग्रामर के हिसाब से बताओ जो है इंडिया कैन विन द अच्छा सका के लिए कैन लगाती हैं आप तो फिर इंडिया कुड विन द मैच बिकॉज ऑफ सचिन। दिस इज द राइट आंसर। योर नेम इज हर्षिता। हर्षिता गेव द राइट आंसर करेक्ट। आर यू रेडी नाउ। उसे हिंदी में बात करने दो। लेट हिम स्पीक इन हिंदी। उसे हिंदी में बात मत करने दो। लेट हिम नॉट स्पीक इन हिंदी। डोंट लेट हिम स्पीक इन हिंदी। हां लेट हिम नॉट इज आल्सो फाइन। अच्छा मुझे पैसे कमाने दो। लेट मी अर्न द मनी। उसे पैसे कमाने दो। लेट हिम अर्न द मनी। उसे पैसे मत कमाने दो। डोंट लेट हिम अर्न द मनी। उसे बाहर मत जाने दो। डोंट लेट हिम गो आउट। डोंट लेट हिम आउट। डोंट लेट हिम आउट। गो आउट। अच्छा नाउ यू रिमूव्ड द वर्ब। यह बच्चा कभी नहीं दौड़ सकता। दिस किड कांट रन। दिस किड कांट रन। यह बच्चा कभी नहीं दौड़ सकता। जल्दीबाजी में आंसर भी नहीं देना चाहिए इतना। दिस किड कैन नेवर रन। हाँ वह झूठ कैसे बोल सकती है। How can she lie? Why you being confused? अच्छा क्या वह शहर छोड़ सकती है? No, क्या वह शहर छोड़ सकती? Can she leave the city? हाँ, can you are using does? In which direction are you going? अच्छा, रमेश उतना ही होशियार है जितना कि सुरेश। रमेश is as intelligent as सुरेश। Good, वह एक अच्छा प्रबंधक बन सकता है। प्रबंधक इज मैनेजर। ही कैन बी ए गुड मैनेजर। हाँ अच्छा ये बताओ उसे मेरी मदद करनी पड़ सकती है। ही शुड बी नहीं पड़ सकती है। उसे मेरी मदद करनी पड़ सकती है। इसे कोई बना सकता है? ही माइट नीड माय हेल्प। हाँ तेज बोलो सेंटेंस बोलो। ही हैड टू नहीं उसे मेरी मदद करनी पड़ सकती है। ही मे हैव टू ओके। हाँ मैं आगरा जाता था। I went to आगरा। मैं आगरा जाता था। I used to go आगरा। पूरा बनाओ। I used to go to आगरा। हाँ क्या तुम मेरा इंतजार करते थे? Did you used to wait for me? Did you used to wait for me? हाँ is she correct? Yes sir। ओके यह लड़की बुरी नहीं है। This girl is not bad। यह पेन तुम्हारा है। This pen is yours। वह पेन मेरा है। That pen is mine। Good। यह पेन उनका है। अब बताओ। This pen is theirs। 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 Okay। Good। अच्छा। क्या आपकी कार नई थी? Was your car new? Good। क्या तुमने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया? Did you participate in the competition? Good. क्या उसने खाना खा लिया है? Did he? No. क्या उसने खाना खा लिया है? Has she eaten the food? Okay. क्या उसने शीशा तोड़ा है? Had she broke the mirror? तेज बोलो. Had she broke the mirror? Is she easy correct? No sir. No. Has. Are you able to catch the mistake? Yes sir. Are you the teacher? No sir. But you can catch the mistakes, right? I am a learner. You are a learner. Yes sir. But still you can catch the mistakes. So what is the right answer? Catch. उसने शीशा तोड़ा है? क्या हाँ. Has he broke the mirror? Is she correct? No sir. So what is the correct? Has she broken the mirror? Third form नहीं use की इन्होंने, right? Yes. But you used the third form. Yes sir. So you are focused. Good. मुझे आगरा जाना है. I have to go to Agra. मुझे आगरा जाना चाहिए। I should go Agra. Go to Agra. मुझे आगरा जाना था। I went to. मुझे आगरा जाना था। I had to go to Agra. हाँ, good. मुझे दिल्ली जाना पड़ा।
सेम है ही? तो कैसे बनेगा? आई हैड टू गो टू दिल्ली, राइट? मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा. आई विल हैव टू गो टू दिल्ली. तुम्हें पैसे चुकाने पड़ेंगे. यू विल हैव टू पे द फाइन. पे मनी. पे मनी, यस सर. तुम्हें कर्ज चुकाना पड़ेगा. यू विल हैव टू पे द डेट. डेट, ओके. अच्छा, आपके कितने दोस्त हैं? हाउ मेनी फ्रेंड्स आर यू हैव? आर यू हैव? डू यू हैव? डू यू हैव? अच्छा, यू करेक्टेड योर सेल्फ वेरी क्विक. तुमको किसने चुना? हु चोज यू? गुड. उसे किसने प्रभावित किया? प्रभावित सर? प्रभावित करना. इम्प्रेस्ड. हाँ, शी इज राइट. हु इम्प्रेस्ड हर? हु इम्प्रेस्ड? तुमको किसने प्रभावित किया? हु इम्प्रेस्ड यू? हाँ, तुम भूल गई स्टेटमेंट. अच्छा, तुम प्रतियोगिता में हिस्सा क्यों नहीं लेते? Why don't you take participate? Why don't you participate in competition? Okay. तुम कितना पैसा कमाना चाहते हो? How much money do you want to earn? तेज बोलो और क्लियर बोलो. How much money do you want to earn? हाँ, energy is low. मैं मुझे पता है आपका गला खराब है, मगर फिर भी वह कितनी कमजोर है? वह कितनी कमजोर है? How weak she is? How weak is she? कितने लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं? How many individuals are playing? कितने लड़के? How many boys are playing cricket? हाँ, not individuals and all. जो है वो ही जवाब दो, right? अच्छा, यह दिखने में कैसा है? How does he look like? How does it look like? It look like. यह सुनने में कैसा है? How does it sound like? Good. आप किससे बात करना चाहते हो? With whom do you want to speak? Do you want to talk? Talk. Who do you want to talk to? Yes, sir. आप किसके साथ जाना चाहते हो? Who do you want to go with? Good. आप किसके साथ खाना चाहते हो? Who do you want to eat with? Good. आप किससे डरे हुए हो? Whom do you? नहीं. Whom are you afraid of? Who are you afraid of? Who are you afraid of? Good. अगला बनाएंगी आप? Yes sir. मूवी कैसी थी? How was the movie? Good. वह कहाँ था? Where was he? Good. क्या आप ये चाहते हैं कि मैं ईमानदार बनूं? Do you want me to be honest? हाँ. Do you want that me to be honest? Do you want? Good. आप क्या करते हो और कहाँ रहते हो? What do you do and where do you live? Good. आप कहाँ गए? Where did you go? That's also good. Okay. यह काम किया जाना है, कोई भी बनाओ जल्दी. This work has to be done. तेज बोलो. This work has to be done. तुम्हारा क्या है? This work should be done. No, she is right. यह काम किया जा ना है, राइट? अच्छा, आज भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होना है, खेला जाना है. अब बनाओ. आज भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेला जाना है. Today the match have to. Today match has to be there in between. खेला जाना है. Today match has to be played between India and Pakistan. Correct answer. मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? How can I help you? May is better. May. How may I help you? हाँ, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है. English is taught. Why are you hesitating? English पढ़ाई जाती है. English is taught. Okay. साइकिल की मरम्मत की जाती है. The cycle is repaired. किताबें चेक हो चुकी हैं. The books are checked. किताबें चेक हो चुकी हैं. The books has been checked. किताबें चेक हो चुकी हैं. The books has been checked. The books have been. फिर तीन तीन बार में भी करेक्ट नहीं हो पाया. Books is plural. Do you know? तो books के साथ have आएगा या has? Have. तो दोबारा बोलो तुम. The books have been checked.
हाँ ये किताबें चेक हो चुकी हैं। These books have been checked. क्या ये किताबें चेक हो चुकी हैं? Confused. Have these books been checked? Good. ऐसा माना जाता है। It is believed. Good. अब तुम बनाओगे? Yes. Are you ready? Yes. उनको पाकिस्तान में कड़ी सजा दी जाती है। They get a terrible punishment in Pakistan. ना, एक make it in passive. उनको पाकिस्तान में कड़ी सजा दी जाती है। हालांकि वो गलत नहीं है तुम्हारा। Active में बना दिया तुमने। Make it in passive. They are getting punished in Pakistan. दी जा रही है नहीं, दी जाती है। They are getting punished in Pakistan. They are punished. Punished. Severely in Pakistan. Okay. अच्छा तुम ही बनाओ। वहां गाने गाए जाते हैं। Their songs are sing. Songs are sing. Is he right? Sir, what was sing. The sentence? वहां गाने गाए जाते हैं। ध्यान से सुनो। No sir. तो कैसे बनेगा? There the song has sang. ये तो और गड़बड़ कर दी तुमने। Songs are sung there. She's Absolutely right. दोबारा बोलो। Songs are sung there. Good. अगला बनाओगे? Yes, sir. Good. बनाओगे? मानोगे नहीं? बनाओगे? चलो तो। आतंकवादियों को सजा दी गई। The terrorists are got punished. तुम कौन से डायरेक्शन में ले जा रहे हो? The terrorists are punished. आतंकवादियों को सजा दी गई। Terrorist got punished. Were punished. हाँ, God punished भी गलत नहीं है. That is also correct. मेरा पेन चुरा लिया गया. My pen was stolen. Good. लड़की को पढ़ाया गया. The girl was taught. Girls या girl? और लड़कियों को पढ़ाया गया तो the girls were taught. The girls हो जाएगा फिर was लगेगा या were? Girl. Okay, good. अच्छा अगला बनाओ. किताब लिखी जा चुकी थी। The book had been written. Okay. काम पूरा किया जा चुका था। The work has been completed. तुमने ध्यान से नहीं सुना। काम पूरा किया जा चुका था। The work had been completed. You have comprehensibility problem. You do not listen attentively. That's why you commit error sometimes. You are in a hurry. Hurry spoils curry. Right? So don't spoil your curry in a hurry. अच्छा, बच्चों को पढ़ाया जाना था। The children were नहीं had were had सारे नहीं आएंगे ना, एक ग्रामर लगाओ। बच्चों को पढ़ाया जाना था। The children were to be taught. No. The children were taught. नहीं, बच्चों को पढ़ाया जाना था। The children had to be taught. Good. ट्यूबलाइट जल गई। राइट अच्छा आपका काम पूरा हो जाएगा। Your work will be completed. अटक अटक के नहीं बोलो। डोंट फंबल। एक फ्लो में बोलेंगी जरा आप। Your work will be completed. ऐसे गुड। ये कॉपी या ये कह लो कि ये बुक्स चेक हो जाएंगी। These books will be checked. सांप को मार दिया जाना चाहिए। The snake should be get killed. Should be killed. Be get एक ही तो बात है। Should be killed. हाँ, the तुमने बोला the snakes. एक बार को ऐसा लगा तुम snake का ही हो पूरा। You were hissing. Hissing sound आ गया। The snake. Snake को उसने snake की तरह snake. Right? The hissing sound came. I enjoyed it thoroughly. अच्छा एंटरटेनमेंट। अच्छा वह मुझे हंसाता है। He makes me laugh. Good. Quick answer. उसने साइकिल की मरम्मत करवाई। He repaired the bike. उसने साइकिल की मरम्मत करवाई। करी नहीं उसने। करवाई।
साइकिल वाज रिपेयर्ड नो उसने साइकिल की मरम्मत करवाई ही इस पे अटक गई सब ही साइकिल वाज रिपेयर्ड नो पैसिव वॉइस ही मेक्स द साइकिल मेक वाला नहीं है ये उसने साइकिल की मरम्मत करवाई ही गॉट द बाइसिकल या साइकिल रिपेयर्ड ओके एक बार पॉजिटिव वर्ब को दोबारा से लर्न कर लेना इज दैट क्लियर ओके चलो अगला बनाओ उसने मुझे रुला दिया ही मेड मी क्राई सही आंसर अगला बनाओ आर यू रेडी अच्छा उसने मुझे दौड़ाया इनका टर्न है ना अच्छा उसने मुझे वह मुझे इंग्लिश बुलवाता है He made me speak English. बुलवाता है टेंस को पहचान के बोलो He makes me speak English. हाँ उसने मुझे इंग्लिश बुलवाई He made me speak English. मैं तुम्हें धारा प्रवाह इंग्लिश बुलवा दूंगी धारा प्रवाह इंग्लिश मतलब फ्लुएंट इंग्लिश गुड आई विल मेक यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंट इंग्लिश आई विल मेक यू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश आई विल मेक यू फ्लुएंट इन इंग्लिश हाँ ये भी सही है आई विल मेक यू फ्लुएंट इन इंग्लिश राइट शी इज यूजिंग हर ब्रेन राइट सो शी इज एक्टिव नाउ अच्छा मैंने बाल कटवाए ये शायद तुमसे बनेगा नहीं क्योंकि ये गड़बड़ कर चुके हो तुम आई गॉट माय हेयर कट नहीं आई गॉट माय हेयर कट अपने बोला ना ओके अगला बनाओगे आर यू रेडी इस चेयर को टूटने दो लेट दिस चेयर बी ब्रोकन गुड इस मोबाइल फोन को बजने दो लेट दिस मोबाइल फोन बी रिंग रंग 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 हाँ रंग होगा अच्छा इन कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया जाए एम्प्लॉइज लेट दीज एम्प्लॉइज बी टर्मिनेटेड दोबारा बोलो Let these employees be terminated. Good. अगला बनाएंगी आप? Yes, sir. अच्छा, कुछ भी हो सकता है. Anything can happen. वह कहीं भी हो सकता है. At anywhere No. He can be anywhere. हाँ. और क्या? वह कहीं भी हो सकता है. अब ये कहीं भी कुछ भी जो भी जब भी वाले आएंगे, ठीक है? तुम्हें जो भी पता है मुझे बताओ. Tell me whatever you know. तेज बोलो टेल मी व्हाटएवर यू नो ओके अगला आप बताएंगी yes, sir. चलो बताओ मुझे कुछ महसूस होता है आई फील समथिंग गुड वह कभी कभी अपने मामा के घर जाती है समटाइम्स शी गोज टू हर मैटरनल अंकल्स होम अच्छा शुरू करना दोबारा बोलो Sometimes she goes to her maternal house or we can say uncle's home. अच्छा, शायद किसी ने हमें देख लिया है Did anyone? No, शायद किसी ने हमें देख लिया है Someone saw us. शायद किसी ने हमें देख लिया So maybe someone has seen us. This is correct. This is present perfect tense. Yes, Did you not recognize it? Sir. फिर कुछ नहीं हुआ. Nothing happened. अगला बनाएंगे आप? Yes, Are you ready? अच्छा बनाओ. आपको किसने चुना है? Who chose you? फिर गलती है. Who has chosen you? What is the correct pronunciation of it? Who chosen you? No, a grammar की गलती है. Present perfect tense Who है. Who has chosen you? Who has chosen you? Chosen you. Chosen. Not chosen. Fine. Right?
मुझे अकेला मत छोड़ना. डोंट लेट मी अलोन. डोंट बी डोंट लीव मी अलोन. हाँ तो लेट क्यों लगा रही हो? मैं खाना बनवाता हूं. आई गेट द फूड कुक्ड. आई गेट द फूड कुक्ड. ओके चलो. यू एक्चुअली हैड पुट नाइस एफर्ट्स. ओके एंड इट वॉज गुड टू सी यू आंसरिंग द सेंटेंसेज एंड यू डिड योर बेस्ट. आई मीन एज अ बिगनर. ओके आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर सेंटेंसेज यू हैव टू प्रैक्टिस लाइक दिस एवरी डे. ओके देन इफ यू ब्रिंग योर सेंटेंसेज इन प्रैक्टिस देन यू वुड बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश विद गुड एक्यूरेसी. एंड एक्यूरेसी इज मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज आफ्टर द एक्यूरेसी यू वुड बी एबल टू मेक गुड फ्लुएंसी इन योर लैंग्वेज. फर्स्ट एक्यूरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट बिकॉज यू वॉन्ट टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश. और डू यू वॉन्ट टू स्पीक टूटी फूटी इंग्लिश? नो. डू यू वॉन्ट टू स्पीक ऑकवर्ड इंग्लिश? राइट. दिस इज द कॉज यू हैव टू बी वेरी मच गुड इन योर ग्रामर. एंड वंस यू मेक वेरी गुड कमांड ओवर ग्रामर देन यू वुड नेवर लूज योर टच ओवर इंग्लिश. अदरवाइज क्या होता है ना आफ्टर लीविंग द कोचिंग और द इंस्टीट्यूट मैनी स्टूडेंट्स आर देयर हु लूज देयर टच क्योंकि ग्रामर उन्होंने उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं की जितनी होनी चाहिए थी. राइट दे डिड नॉट मेक देयर ग्रामर एज इट स्ट्रॉन्ग एज इट शुड हैव बीन. ओके तो ग्रामर को एक बार बहुत स्ट्रॉन्ग करके निकलोगे तो कोचिंग इंस्टीट्यूट छोड़ने के बाद भी तुम्हारा टच यानी कि यू विल नॉट लूज योर टच ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज. इज दैट क्लियर? यस सर. ओके सो दैट इज द कॉज दैट लर्निंग और मेकिंग गुड कमांड ओवर ग्रामर इज वेरी इंपॉर्टेंट. डू यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रामर? यस सर. ओके ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो रहोगे तो क्या होगा? स्पर्श फ्रेमवर्क बिगड़ जाएगा. हाँ फ्रेमवर्क बिगड़ जाएगा. तुम तो बोल दोगे सामने वाले को समझने में बहुत दिक्कत होगी. राइट तो उसका फायदा क्या है ना? हाँ लेकिन अगर जैसे कोई बच्चा कॉन्फिडेंट नहीं है तो उसकी ग्रामर थोड़ी सी शुरू में इग्नोर कर दी जाती है ये सोच के कि चल ये बोले तो सही कुछ. अगर ग्रामर में इसको मार्क डाउन करने लग गए तो ये बोलेगा ही नहीं. तो उन बच्चों की इग्नोर कर दी जाती है कि ऐसा ना डर की वजह से ये बोले ही ना. तो इसकी झिझक तो खुले पहले कम से कम है ना. लेकिन तुम लोगों को हेजिटेशन है. डू यू हेजिटेट? तो इसीलिए तुम्हारा ग्रामर को इग्नोर नहीं करेंगे हम. राइट ओके सो इन दिस सेशन दैट वॉज इट. आई होप यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रामर एंड आई बिलीव दैट यू वुड नॉट रिपीट द मिस्टेक्स दैट यू कमिटेड टूडे. ओके कमिट द मिस्टेक्स दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कमिटिंग एरर इज इंपॉर्टेंट बट डोंट रिपीट देम है ना. वही मिस्टेक्स दोबारा ना करो. डू द न्यू मिस्टेक्स. ओके सो इन दिस सेशन दैट वॉज इट एंड वी विल बी राइट बैक विद मैनी मोर सेशंस लाइक दिस रिलेटेड टू ग्रामर और मैनी मोर. ओके मैनी एक्टिविटीज हैव टू बी डन. दिस इज पैसिव. मैनी मोर एक्टिविटीज हैव टू बी डन. राइट इसीलिए इनकी प्रैक्टिस करवाते हैं ना तुम्हें ताकि ये निकले इन द लैंग्वेज. ओके ओके देन टेक केयर एंड टेक अ साई ऑफ रिलीफ नाउ. गिव रिलैक्सेशन टू योर थ्रोट ऑल्सो विच इज आई मीन नॉट फाइन. ओके ओके दैट वॉज इट. टेक केयर एंड बाय एवरी वन.